शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम् विष्वाधारं गगनसदृशं मेघवरणं शुभागम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी ध्यान वंदे वे विष्णु सर्वलोकेकनाथं भय राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं आज निर्जला एकादशी के दिन मैं आपके लिए लाई हूँ निर्जला एकादशी व्रत कथा बंधुओं जिसे सुनने मात्र से आप पर भगवान श्री हरि की कृपा तो होगी ही और आपको एक हजार अश्वेघ और सौ राजस्व यज्ञों का फल भी मिलेगा बंधुओं यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके बंधुओं आप सभी जानते हैं कि एक साल में चौबीस एकादशिया आती हैं पर जेठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी सबसे बढ़कर फल देने वाली है सभी पापों को हरने पुण्य एवं मुक्ति दायनी इस निर्जिला एकादशी की महिमा अनंत है इस एकादशी का व्रत रखने से ही वर्ष भर की एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त हो जाता है इस एकादशी में एकादशी के सूर्योदय से द्वादशी के सूर्योदय तक जल भीना ग्रहण करने का विधान होने के कारण इसे निचला एकादशी कहते हैं। ज्येष्ठ मास में दिन बहुत बड़े होते हैं और प्यास भी बहुत अधिक लगती है ऐसी दशा में इतना कठिन व्रत रखना सचमुच बड़ी साधना का काम है बंधुओं निचला एकादशी के दिन अपनी शक्ति और समर्था के अनुसार ब्राह्मणों को अनाज वस्त्र छतरी, फल जल से भरे कलश और दक्षिणा देने का विधान है सभी व्यक्ति प्राय मिट्टी के घड़े पंखे अनाज का दान तो करते ही हैं और साथ ही आज के दिन मीठे शरबत की प्याऊ भी लगाई जाती है बंधुओं निर्जला एकाशी का व्रत पूरे दिन करने से सात जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। आप जिस भी वस्तु को पाने की इच्छा रखते हैं, वह निर्जला एकादशी के व्रत को करने से पूरी हो जाती है निर्जला एकादशी के व्रत को रखने से पूर्व जन्मों में किए गए संपूर्ण पाप भी एक क्षण में नष्ट हो जाते हैं निर्जला एकादशी के दिन भगवान श्री हरि की कथाएं श्रीमद् भागवत गीता श्री पदम पुराण श्री विष्णु पुराण को सुनने से श्री हरि आप पर बहुत प्रसन्न होंगे और उनकी कृपा आप पर बनी रहेगी जो मनुष्य भगवान की कथा सुनने के बाद कथा वाचक को अर्थात कथा सुनाने वाले को अपने सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा देते हैं, उनको सनातन लोग मिलता है जो मनुष्य अपने मन में निर्जला एकाशी व्रत करने का संकल्प मात्र करते हैं उनके सौ जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और जो रात्रि जागरण करते हैं उनकी आने वाली दस हजार पीढ़िया स्वर्ग में जाती हैं, वे नर्क के दुखों से छूटकर प्रसन्नता के साथ विष्णु लोक को जाते हैं। जो फल समस्त तीर्थों में स्नान करने से प्राप्त होता है वही पुण्य इस एकादशी की रात्रि को जागरण करने से प्राप्त होता है उसी मनुष्य का जीवन सफल है जिसने निर्जला एकादशी का व्रत किया है इस संसार में जितने भी तीर्थ हैं, उन सब के स्नान दान आदि का फल सिर्फ निर्जला एकादशी के व्रत से मिलता है जिसने एक बार भी निर्जला एकादशी का व्रत कर लिया वही मोक्ष का अधिकारी हो जाता है मन क्रम वचन तीनों प्रकार के पाप इस रात्रि को केवल जागरण मात्र से नष्ट हो जाते हैं। निर्जला एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान के प्रसन्न अर्थ स्नान दान यज्ञ आदि करते हैं वे अक्षय पुण्य को प्राप्त हो जाते हैं निजला एकाशी को कृपनता त्याग कर पुष्पों फलों अगर धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करना चाहिए शंख में जल भरकर भगवान को अर्घ देना चाहिए ऐसा करने से समस्त तीर्थों से करोड़ गुना फल मिलता है निर्जला एकाशी को तुलसी से भगवान का पूजन करने वालों के दस हजार जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं तुलसी का दर्शन स्पर्श, नमस्कार स्तुति तुलसी का रोपण जल से सिंचन और प्रतिदिन पूजन तथा आरती करने से व कथा सुनने वाले करोड़ों युग तक विष्णु लोक में निवास करते हैं पीले फूलों से भगवान श्री हरि का पूजन करें ऐसा करने वाला श्वेत द्वीप में निवास पाता है निजला एकादशी की पूरी रात्रि जागरण पूजन कथा कीर्तन के बाद सुबह स्नान करें। जब और नित्य करके विद्वान ब्राह्मण को भोजन कराएं। दक्षिणा देकर क्षमा याचना करें बंधुओं यदि आप किसी कारणवश निर्जला एकादशी का व्रत नहीं कर पा रहे हो तो आप निर्जला एकादशी कथा जरूर सुने और भगवान श्री हरि को तुलसी दल और फूल जरूर अर्पित करें बोलो विष्णु भगवान की जय लक्ष्मी माता की जय एकादशी माता की जय एक बार भीमसेन ने व्यास जी से पूछा हे पिता महा माता कुंती भ्राता युधिष्ठर अर्जुन नकुल सहदेव और द्रौपदी आदि सभी एकाशियों का व्रत करते हैं और मुझे भी अनाज खाने को मना करते हैं। परंतु मैं उनसे कहता हूँ कि भाई भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा आदि तो मैं कर सकता हूँ दान भी दे सकता हूँ परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता इसके उत्तर में व्यास जी ने कहा hey, पांडु पांडुपुत्र भीमसेन यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रत्येक मास की दोनों एकादियों को अन्न मत खाया करो तब भीमसेन ने कहा हे hey, पिता महा, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो मैं रख सकता हूँ मेरे पेट में वृक्ष नाम वाली अग्नि है मैं अन्न के भोजन बिना उपवास तो क्या एक समय भी भोजन किए बिना नहीं रह सकता अतः आप मुझको कोई ऐसा व्रत बतलाइए जो वर्ष भर में केवल एक बार ही करना पड़े और मुझको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए श्री व्यास जी ने कहा है पुत्र बड़े बड़े ऋषियों ने अनेक शास्त्र बनाए हैं जिनमें वर्णित उपायों के द्वारा थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है परंतु उन शास्त्रों में भी दोनों पक्षों की के व्रतों को मुक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ लिखा गया है श्री व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के भय से भयभीत हो गए और मान होकर बोले अब क्या करूं एक मास में दो व्रत मैं नहीं कर सकता हाँ वर्ष में एक व्रत करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूँ एक दिन व्रत करने से मेरी मुक्ति हो जाए यदि ऐसा कोई व्रत हो तो कहिए यह बात सुनकर व्यास जी कहने लगे कि वृक्ष और मिथुन संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उस एकादशी को व्रत करो इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है आचमन में छह मास जल से अधिक नहीं होना चाहिए अन्यथा वह पान के सदृश हो जाता है इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है इस एकादशी के दिन सूर्योदय से लेकर द्वाशी को सूर्योदय तक जल ग्रहण न करने से स्वस्थ एकाशियों के व्रतों का फल प्राप्त होता है द्वाशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान देना चाहिए इसके पश्चात भूखे और सत पात्र ब्राह्मण को भोजन कराकर फिर आप भी भोजन कर लेना चाहिए इसका फल एक वर्ष की संपूर्ण एकाशियों के फल के बराबर है व्यास जी कहने लगे भीमसेन यह मुझको स्वयं भगवान ने बतलाया है इस एकाशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से भी अधिक है केवल एक दिन निर्जल रहने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं जो मनुष्य निर्जल एकादशी का व्रत करते हैं उनको मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते पार्षद उसको पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं संसार में सबसे श्रेष्ठ व्रत निर्जला एकादशी का व्रत है इसलिए यतन के साथ इस व्रत को अवश्य करना चाहिए इस दिन ओम नमो नारायणाय का मंत्र जाप करना चाहिए और गो का दान करना चाहिए व्यास के आज्ञानुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया इसीलिए इस एकाशी को भीम सेनी या पांडव एकाशी भी कहते हैं निचला व्रत वाले दिन प्रातः काल भगवान का पूजन करके प्रार्थना करें हे भगवान आज मैं श्रद्धा पूर्वक निर्जला व्रत रखकर दूसरे दिन भोजन करूँगा अतः आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको करोड़ पल सोने के दान का फल मिलता है जो इस दिन यज्ञ आदि करते हैं उसका फल तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं, वे चंडाल के समान है वे अंत में नरक में जाते हैं जिन्होंने निर्जला एकाशी का व्रत किया है वे चाहे ब्रह्म हत्यारे हो अथवा गुरु के साथ द्वेष करने वाले फिर भी इस व्रत के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं हे भीमसेन जो पुरुष या स्त्री श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करते हैं उनको निम्नलिखित लिखित कर्म करने चाहिए प्रथम भगवान का पूजन करना चाहिए फिर गोदान देना चाहिए ब्राह्मणों को मिष्ठान व दक्षिणा देनी चाहिए जल से भरे कलश का दान अवश्य करना चाहिए निर्जला एकादशी के दिन अन्न वस्त्र पात्र जूते आदि का दान भी करना चाहिए जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कथा को पढ़ते व सुनते हैं उनको निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है बोलो विष्णु भगवान की जय राधे राधे जय श्री कृष्णा बंधुओं यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद